साथियों, बिहार में हम लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई की लड़ते एक पॉलिटिकल पार्टी का स्थापना किया और वो पार्टी अपने आवाज़ को संसद तक पहुंचाने के लिए बिहार में संघर्ष किया और बिहार में 3 सीट लोकसभा क्षेत्र पे महागठबंधन के सहयोगी बने, जिसमें राजद, कांग्रेस, हम, उपेंद्र जी की पार्टी, तमाम पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। उसके बाद 3 लोकसभा क्षेत्र है, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहां से खगड़िया से मैं स्वयं वहां से चुनाव लड़ रहा हूं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में हमारे डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी, जो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, जो वहां से चुनाव लड़ेंगे, और मधुबनी जिला में अभी प्रत्याशी कौन होंगे उनके लिए हम लोग मंथन कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर में ही एक अच्छे प्रत्याशी का नाम का घोषणा हम करेंगे, जो हमारे पार्टी और हमारे समाज के हित का होगा। और आने वाले समय में मजबूती से लड़ाई लड़ना है। तमाम हमारे शुभचिंतक, हमारे फ्रेंड, हमारे चाहने वाले सबसे अनुरोध है, विनती है कि ये 71 साल के बाद पहली बार ये मौका हमें मिला है अपने हक अधिकार को, आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए आप लोग तमाम जिस जिला में, जिस ब्लॉक में, जिस प्रखंड में, जिस पंचायत में, जहां पे भी हो, अपने ताकत का एहसास कराएं और मोदी सरकार को दिखा दे कि वादा खिलाफी क्या चीज़ होता है। आपको पता होगा 2014 में भी मोदी जी के लिए हमने बहुत काम किया, 2015 में भी NDA के लिए हमने बहुत काम किया। उन्होंने वादा किया था कि आने वाले समय में हम निषाद, मछुआरा, बीन बेलदार, नुनिया मला को आरक्षण देंगे, लेकिन काम निकलने के बाद हमें, हमारे संगठन, हमारे लोगों को भूल गए। आज हम लोगों ने महागठबंधन का पार्ट बने हैं, जिसमें आप लोगों को मजबूती से अपने ताकत का एहसास कराना है कि आप निषाद एक हैं और आप पॉलिटिकली तरीके से आप जागरूक हो चुके हैं। आपका वोट देश के प्रधानमंत्री बनाता है और आपका वोट अपने प्रत्याशी के लिए, अपने गठबंधन के लिए गिरना चाहिए। और अभी से मैं भी अभी से निकल रहा हूँ खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के लिए। कल मेरा वहाँ पे महागठबंधन के सभी सहयोगी दल के साथ बैठक है और 2 तारीख को वहाँ पे मैं एज ए प्रत्याशी नामांकन करूँगा, जिसमें पूरे बिहार से आह्वान करता हूँ कि तमाम संगठन के सभी पदाधिकारीगण, संगठन के और VIP पार्टी के सब वहाँ पर उपस्थित रहें, अपने ताकत के साथ वहाँ पे नॉमिनेशन कराएं। और कल महागठबंधन का बैठक है, वहाँ पे हम लोगों समय सुनिश्चित कर लेंगे, तो आप लोग तमाम वहाँ पे आए। और 3 लोकसभा क्षेत्र में हमारे जितने भी शुभचिंतक दोस्त हैं, सहयोगी हैं, आप लोग हमसे संपर्क करें। 3 लोकसभा क्षेत्र में आप आएँ, प्रभारी बनकर वहाँ पे अपने प्रत्याशी को जिताएं और दिल्ली पहुँचाएं। और 3 लोकसभा तो आपके अपने VIP पार्टी के हैं, लेकिन उसके अलावा भी 37 लोकसभा क्षेत्र जो है वो भी आपका गठबंधन का है। वहाँ पे जिस तरीके से आप अपने सीट पे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, उसी तरीके से आपको पूरे गठबंधन पे के सीट पे हर प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी समझकर उसके लिए मदद करेंगे। भूखे प्यासे रहकर 1-2 महीना जो भी समय देना पड़े उनके लिए दीजिए और वो प्रत्याशी को जीत कर दिल्ली भेजिए और अपने क्षेत्र में विकास करवाइए, दिल्ली में UPA का सरकार बनाइए। और जिस रोज UPA का सरकार दिल्ली में बनेगा, जो उसके बाद जो हमारा मुख्य एजेंडा है, निषाद, फिशरमैन, मछुआरा समाज को आरक्षण दिलाना, निश्चित तौर पे वो पूरा होगा UPA के सरकार बनने से। तो इसलिए आप लोग मजबूती से दिल्ली में सरकार बनाएं, बिहार में 3-3 40-40 लोकसभा सीट जीते और अपने पार्टी को मजबूती से, तमाम निषाद बंधु हैं जो भी दूसरे राज्य में हैं, दिल्ली हो या कलकत्ता हो या मुंबई हो या अन्य जहां पे भी हैं, आप चुनाव के समय में आप अपने घर लौटें, अपने बिहार राज्य में आएं और मजबूती से अपने प्रत्याशी